Kalpana Devi, the additional advocate general of the Sindh High Court. She's a politician from Larkana and is part of the Pakistan People's Party. She has also been a chairperson of the Hindu Panchayat, a panchayat that earlier banned her from contesting elections. The ban was lifted once the court ruled against it. Vowing to follow the path of her mentor Asma Jahangir, she tells us her story of struggle, of defiance, of the attack on her life. जब मैं खुद चेयरपर्सन थी मैंने अभी वो आपके गोश गुजार किया तो उन दिनों में भी यही था कि एक मोब था वो हमारी होली का दिन था उसकी रात को ये इशू हुआ कि किसी बंदे ने हमारी कम्युनिटी के किसी बंदे ने खुदा ना खास्ता कोई गुस्ताखाना बात की है हुजूर साईं के शान में जो गलत साबित हुई आगे चल के तो लोग एक मोब निकल आया और उस दिन पता नहीं क्या हो गया कि हम सिंधी से हिंदू बन गए थे और वो मोब गया पहले तो उन्होंने धर्मशाला जलाई और उस वक्त के जो हमारे एसएसपी थे या जो भी हमारे लाड़काना के थे वो आगे आने के लिए तैयार नहीं थे उसका भी एक रीज़न है उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है कि वो क्यों नहीं आना चाह रहे थे और वो फाइनली मोब ने धर्मशाला सारी जला दी हमारे शिवालय की बेहरमती हुई और फिर वही मोब मेरे घर पर आया कि इसको भी जलाओ ये भी हिंदू है तो मतलब ये चीज़ें हम फेस करके यहाँ तक पहुँचे हैं लेकिन कौन सा साल था ये तकरीबन 2015 की बात है She advocates that the bill to criminalize forced Hindu conversion of girls should be passed by the Sindh Assembly. In October of this year, much to the disappointment of many, in the Sindh Assembly, the Pakistan People's Party retracted from its stance of criminalizing forced conversions after religious parties threatened to protest against the legislation. हमारे जो मेंबर ऑफ असेंबली हैं वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इस चीज़ को लाना तो चाह रहे हैं स्पेशली मैं बात करूंगी पीपल्स पार्टी की कि वो लाना चाह रहे हैं लेकिन मसला ये है कि कुछ माइंड सेट हैं आप उसको किसी भी एंगल में ले जाएं वो नहीं चाह रहे कि ये हो वो इसको रिलीजियस टच देके इसको वैसे का वैसा रखना चाह रहे हैं लेकिन हमारी ये कोशिश है असेंबली की ये कोशिश है कि हम इसको लाएं एक दफ़ा लाए थे तो गवर्नर ने इस पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया तो वो बैक फुटिंग पे चला गया अगेन हमारे एक एमपी हैं उन्होंने ये बिल पेश किया है तो इस पर काम हो रहा है शायद इसमें थोड़ी बहुत तरमीम करके इसको लाएंगे जरूर Rights groups in the Hindu community continue to protest over the alleged abduction and forced conversions of young Hindu girls in Sindh. They question why only young Hindu girls convert and get married, and why not men or older women. For VoicePK.net.